हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे बेक्ड शक्करकंदी चाट। तो उसके लिए मैंने कुकर गरम कर दिया है। इसमें मैं नमक डाल दूँगी। ये नमक मैंने पहले भी बेकिंग में यूज़ करा है, और जो भी नमक हम बेकिंग में यूज़ करते हैं उसे कितनी बार चाहे हम उतनी बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी ख़राब नहीं होगा। तो अब इसे हम स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए गर्म होने देते हैं, और तब तक हम इन शक्करकंदियों में ऑयल की कोटिंग कर लेते हैं। इसको ऑयल लगा देते हैं। शक्करकंदी में ऑयल लग गया है गाइस। मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल लगाया है, और हमारा कुकर भी अब गर्म होने वाला है। तो अब हम इस कुकर में अपने स्वीट पोटैटोस डाल देते हैं उसको बेक होने के लिए। नमक काफ़ी गर्म हो गया है गाइस। अब हम इसमें एक एक करके अपने स्वीट पोटैटोस को डाल देते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं सीटी निकाल कर। कुकर का ढक्कन लगा दिया है गाइस, बट मैंने इसमें सीटी नहीं लगाई है। हमें इसे बेक करना है, हमें सीटी नहीं लगने देना है। तो इसको ऐसे ही हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक होने देते हैं। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। एक बारी टर्न कर दिया है मैंने इनको। अब फिर से मैं इनको ढक्कन लगाने के लिए बेक होने देती हूँ गाइस। सो गाइस, ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं इसे बेक होते हुए, और मैंने इसमें नाइफ डाल के भी देखा था, तो ये काफ़ी अच्छे से बेक हो गए हैं। अब इनको हम बाहर निकाल देते हैं। देखिए गाइस, ये काफ़ी अच्छे से बेक हुए हैं। नाइफ डाल के देखते हैं, देखिए कितनी इजीली जा रहा है। अब हम इनको छील लेते हैं। सो गाइस, मैंने इनको छील लिया है, और अब मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ। सो गाइस, मैंने इन्हें काट लिया है। अब इनमें हम आधा लेमन स्क्वीज कर देंगे। इसमें मिर्ची और धनिया का पेस्ट डालेंगे, मोटा मोटा पिसा हुआ। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम चाट मसाला। नमक बहुत थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि हमने इसे नमक में बेक करा था, तो नमक ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो गाइस, रेडी है हमारे स्वीट पोटैटो चाट। मैंने इन्हें कम स्पाइसी बनाया है, क्योंकि ये पीहू खाती है। अगर आप स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। डुकू।